जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आज हम आपको बताएंगे कि रक्तपूर को कुश्ता करने से पहले आप कायम कर लें, इसको थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो जब ये इसको कुश्ता बनाया जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त से जो है ना इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो चीज़ों को कायम कर लेना चाहिए, जो शुद्ध करने वाली हैं शुद्ध करना चाहिए, मुसफ़ा करने वाली उनको मुसफ़ा कर लें तो उसके जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों रक्तपूर आप लेके आए, अच्छा एक नंबर। तो इसको हम बनाए गए हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अगली वीडियो दूंगा तो उसके ऊपर जो है ना वो अपना नसूर बगंदर के ऊपर जो है ना बड़ी टॉप की चीज़ है, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि रक्तपूर किस तरह वो काम करेगा। तो ये रक्तपूर लेके आए हैं, तो ये 10-10 ग्राम की, आप 10 ग्राम की, 12 ग्राम की, 13 ग्राम की एक डली बना लें, तो इतनी इतनी डलियाँ आप ले लें, 8 ग्राम की भी हो तो चल जाती है। तो ये अभी 30 ग्राम है मेरे पास, तो अभी इसको ये आपके पास चाहिए आपको अरंड का तेल, ये मेरे पास, मैं पहले भी आपको कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, मेरे पास अपना हाथ का निकाला हुआ है। अगर बाज़ारी भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, उसमें आप बाज़ारी भी ले सकते हैं, बाज़ारी भी काम करेगा, पंसारी से खुला मिल जाता है वो आप ले लें। तो इसको जो है ना ये डलियों को आप 10 ग्राम की 12 ग्राम की तो इसको इसके अंदर रखें। तो ये अभी मैंने कढ़ाई रखी है ऊपर रेत के, तो कप को आप जो है ना आधा हिस्सा तक जो है ना वो रेत के अंदर दबा दें। तो इसको आपने 10 घंटे जो है ना नरम आग पे, इस तरह नरम आग पे आपने चलने देना है, तो इसमें से जो है ना वो बुलबुले से निकलते रहेंगे, तो ये जो जनाब ये काम होता है 10 घंटे आपने इसको इसके ऊपर पकाना। अगर आपके पास गैस वाली आग है तो आप गैस के ऊपर पका लें। तो ये है, इस तरह इसके अंदर डलिया रखेंगे, चाहे आप ज़्यादा भी रख लें, एक ही दफ़ा अगर आपने करनी है तो ये आप रख के तो इसको करें, तो इंशाल्लाह मैं अगर आपको नुस्खा जो है ना बगंदर नसूर के ऊपर दूंगा। तो ये रस संदूर जो है ना वो ये वाली शीशी इसमें रखी हुई है रस संदूर की, तो इसको भी 8-10 घंटे की आग दी जाती है। तो ये मैदे के ऊपर मैं वीडियो या पहले आ गई है या बाद में आ जाएगी आपके पास, तो ये मैदे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो ये भी साथ में चल रहा है, तो इस तरह दोस्तों जो है ना इसको कायम किया जाता है। ये अभी इसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे, ये डबली भी अभी इसमें रखते हैं, तो ये फिर इसको कायम करने के बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसका मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह इसको जो है ना वो कुश्ता किया जाता है। जज़ाकअल्लाह।